उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अभियान के बीच तीन मंत्रियों की नाराजगी और तमाम विभागों में भ्रष्टाचार की सूचना सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री दिनेश खटिक लगातार नाराज चल रहे हैं। जलशक्ति राज्य मंत्री काम आवंटित नहीं होने के कारण, भेदभाव होने के कारण, अधिकारियों के उनकी बात न सुनने के कारण काफी नाराज बताए जा रहे हैं। उनके दिल्ली जाने की और इस्तीफा तक देने की चर्चाएं हैं। मंगलवार से ही उनकी नाराजगी यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई थी। मंगलवार को योगी मंत्रिमंडल की बैठक में वो शामिल नहीं हुए। उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो वो ना अपने घर पर पाए गए, ना ही अपने दफ्तर में। उनका मोबाइल लगातार बंद जा रहा था। जब मीडिया सामने आए भी तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। उनके अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की भी नाराजगी की। जितिन प्रसाद के विभाग में अनियमितताओं की, भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं और इसमें प्रदेश सरकार एक्शन भी ले रही है। सबसे पहले बात दिनेश खटिक की। यूपी सरकार में जलशक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटिक सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद भी काम के आवंटन नहीं होने से नाराज हैं। सियासी गलियारों में मंगलवार को उनके इस्तीफे की सूचना लगातार चलती रही। हालांकि सरकार, राजभवन और संगठन के स्तर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन उनका एक लेटर जमकर वायरल है जो कथित तौर पर अमित शाह को लिखा गया है और इसमें उन्होंने अपना इस्तीफा सामने रखा है। मंत्री और उनके करीबियों का फोन बंद आने के कारण इस अफवाह को और बल मिला। मंत्री जी की ओर से अभी इसका कोई खंडन भी नहीं किया गया है। अब बात जितिन प्रसाद की। योगी सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग के ओएसडी के खिलाफ सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। 350 विभागीय कर्मियों के तबादले के मामले में ओएसडी अनिल कुमार पांडे की सेवा केंद्र को वापस कर दी गई। ओएसडी मंत्री के करीबी बताए जाते हैं। योगी सरकार की ओर से तबादलों में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद उनके खिलाफ जांच कमेटी बैठाई गई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हुई। मंगलवार को ओएसडी के बाद विभागाध्यक्ष को भी हटा दिया गया। इसके बाद मंत्री नाराजगी की खबरें हैं। उन्हें पूरे मामले की जानकारी न दिए जाने संबंधी बातें भी सामने आ रही हैं। वे इस मामले को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के सामने जा सकते हैं। उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने और पूरा मामला उठाने की खबरें हैं। अंत में बात डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की। ब्रजेश पाठक की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है विभागीय स्तर पर उनकी बात न सुना जाना। स्वास्थ्य विभाग को कसने की कोशिश लगातार करते हुए वे अस्पतालों का औचक निरीक्षण तक करते रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहे हैं। इसके बाद उनके दिशा निर्देशों पर तेजी से कार्रवाई नहीं हो पाती। हाल के दिनों में बिना मंत्री की जानकारी के स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। डिप्टी सीएम ने इसके खिलाफ सीएम ऑफिस तक शिकायत कर दी। इसके बाद तमाम विभागों में ट्रांसफर के खेल की जांच शुरू हो गई है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में ऑल इज वेल वाला मसला फिलहाल नहीं दिखता। उनके तीन बड़े नाम दिनेश खटिक, जितिन प्रसाद और ब्रजेश पाठक नाराज हैं। इनके विभागों से तरह तरह की अनियमितताएं, भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं। योगी सरकार इस पर क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।